दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड स्टेज फियर। और मैं सच कहता हूँ आई एम अ राइट पर्सन बिकॉज मैंने कुछ दिनों से स्टेज पे स्पीच देना स्टार्ट किया है और वो सारे एक्सपीरियंस किए हैं और वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर लीजिए जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रेश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल। तो दोस्तों जो लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक वो जो स्टेज फियर से रिलेटेड बहुत एंग्जाइटी रहते हैं कि यार पता नहीं कैसा जाएगा, चिंता बहुत करते हैं उस चीज से रिलेटेड, पता नहीं क्या बोल दूंगा, लोग क्या रिएक्ट करेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने मन के अंदर ठान लेते हैं कि भाई हमसे तो ना होने वाला, ये हमारे बस का नहीं है, स्टेज पे बोलना हम जैसों का काम नहीं भाई। तो दोस्त मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि हिम्मत है मर्दा तो मत दे खुदा। नंबर वन पॉइंट है कि नो योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को जानिए कि क्या जब कभी भी आप घर पे होते हैं अकेले में या मन में रास्ते में चलते हुए तो क्या आप बोलते हैं या चुपचाप चलते हैं। अगर आप बोलते हैं, मन में बहुत सी चीज का जवाब दे पाते हैं, अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं तो यस आप बोल सकते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप स्टेज पे नहीं बोल पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि आपको वो सारे इक्विपमेंट नहीं मिले, वो स्टेज नहीं मिला, वो माइक नहीं मिला, वो लोग नहीं मिले, शायद इस वजह से आप बोल नहीं पाए। मुझे याद आता है एक पर्सन का जिसने कहा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया, मैं नुकसान में गया वहां लेकिन एक चीज का फायदा हुआ, यार वो स्टेज पे बहुत बुलवाते थे और जब वहां आओ तो बोलना पड़ता था और धीरे धीरे मैं स्टेज फियर मेरा बिल्कुल खत्म हो गया और आज मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। और जैसे ही आप अपने आप को जान लेंगे तो सेकंड आता है ट्रिपल पी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है कोई भी पब्लिक स्पीकर। ये बात सही है कि 1000 में 2-3 लोग जनजाति होंगे कुछ अलग, लेकिन 99% लोग भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब कभी भी किसी स्टेज पे जाएंगे, उससे पहले आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई उस स्टेज पे जाके एज्यूम करता है कि भाई यहाँ पे 1000 लोग बैठे और मैं कल होके यहाँ पे स्पीच दूंगा। किसी को फाइनली देना होता है वो रास्ते में चलते हुए, घर में बैठते सोते जागते उस चीज की प्रिपरेशन करता है। थर्ड नंबर पे आता है कि भाई प्रैक्टिस करे तो करे कैसे, तो प्रिपेयर योर पीपीटी, कोई असाइनमेंट वर्क्स। जब कभी भी आप कोई स्पीच देने जाते हैं तकरीबन आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, उस स्टेज में आप एक पीपीटी मेंटेन रखिए और हर पीपीटी आपको इंडिकेट करता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो हर पीपीटी हर असाइनमेंट आपको इंडिकेट करेगा कि इस वाले स्टेज पे मुझे ये सारी बातें बोलनी है। इससे क्या होगा कि आपको वो सेमिनार, वो सेशन, वो स्टेज पे बोलना लॉन्ग वे नहीं लगेगा कि भाई एक घंटा तक पता नहीं क्या बोलूंगा भाई, वहां पे आप उसको ब्रेक करके बढ़ पाएंगे। मींस कि एक पीपीटी ने आपको तकरीबन 10 मिनट तक बुलवाया, फिर नेक्स्ट पीपीटी आई, जैसी वो आई आप उस पे बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि फर्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करिए, तो आप उसके बारे में बोलेंगे। फिर आएगा कि भाई उसको पढ़ाइए, तो पढ़ाने से रिलेटेड बात होगी। जब कभी भी आप अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो सबसे पहला टॉपिक होगा अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद चाइल्डहुड आएगा, स्कूल लाइफ आएगी, कॉलेज लाइफ आएगी, तो जब ऐसे टॉपिक वाइज ड्राइव करेंगे तो आप एक लंबी स्पीच दे पाएंगे। और नेक्स्ट है कि नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग नर्वस। जब कभी भी आप वहां पे स्टेज पे बोल रहे हो तो लोगों से माफी मत मांगिए कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। जब आप ये वर्ड बोल देते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई तुम नर्वस हो रहे हो। उससे पहले किसी को नहीं पता होता, सब सोचते हैं कि भाई तुम्हारा स्टाइल है। कुछ लोग उछल उछल के बात करते हैं, लोग सोचते हैं इसका स्टाइल है, क्या पता वो नर्वस हो रहा हो। कुछ लोगों को पसीना आ रहा होता है, भाई रुमाल लीजिए पोछ लीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आप नर्वस हो रहे हैं। इसीलिए जब कभी आप हो रहे हो तो लोगों से शेयर मत करिए, नहीं तो आपका इवेंट खराब हो जाएगा, लोगों को लगेगा ऐसे बोलना नहीं आता। मुझे याद है आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जब गूगल में मेरी स्पीच थी, वहां पे तकरीबन 200-250 क्रिएटर्स थे मेरे सामने। भाई क्या जबरदस्त बोला था मैंने, लेकिन उसमें एक वर्ड मैंने गलत बोला कि भाई अपना पहली बार है तो थोड़ा हाथ हिल रहा है, ठीक है, तो लोग हंसने लग गए। पर शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है पहली बार आप ऐसे बोल देते हैं, बट ठीक है जब आपको पता हो तो मत बोलिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम्हारा पहली बार है, नहीं तो उससे पहले लोग नहीं जानते। और नेक्स्ट है कि शिफ्ट द फोकस योर सेल्फ। उस टाइम आप अपने आप पे ज्यादा फोकस मत करिए कि आप कैसे दिख रहे हैं, सही से खड़े या नहीं, हाथ तो नहीं कप रहा, बोल पा रहा हूँ या नहीं, इस चीज पे मत सोचिए कि क्या हो रहा है। जैसी नॉर्मल बॉडी थी भाई वैसी बोलिए। दुनिया में लाखों करोड़ों पब्लिक स्पीकर्स हैं जिनको अपनी बॉडी लैंग्वेज की फिक्र नहीं थी। एरिक थॉमस, निक आर्नोल्ड, बराक ओबामा, ऐसे लोग जिन्हें सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है जो बेस्ट मुझे लगता है ऐसा फोकस। होता क्या है जब आप 500 लोग, 600 लोग, 1000, 2000, 3000 लोगों के सामने स्पीच दे रहे होंगे, उस टाइम होगा क्या कि आपको हर एक की नजरों में एक अलग अलग इंप्रेसिव दिखेगा। कोई सो रहा होगा, कोई आपके बार बार आपको देख के सर हिला रहा होगा। तो हमेशा कुछ 3-4 लोगों पर फोकस रखिए जिससे आपका फोकस नहीं टूटेगा। आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी से आप बोलने आए हैं, क्या चीज आप बोलने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप प्री प्लान रखिए।
और सिर्फ 3 से 4 लोगों पे फोकस रखिए स्टेज में, एक लेफ्ट साइड में, एक सेंटर में और एक राइट साइड में। क्योंकि जब आप लेफ्ट को देखेंगे तो उस टाइम होगा क्या कि सबको लगेगा कि आप लेफ्ट में सबको देख रहे हैं, लेकिन आपकी फोकस सिर्फ और सिर्फ लास्ट बेंच पे कोई बैठा हुआ सिर्फ उस पे होना चाहिए। तो गिन के सिर्फ 3 से 4 लोगों को भी फोकस रखिए। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आप नर्वस फील नहीं कर पाएंगे उस टाइम। और नेक्स्ट है पॉज लीजिए। जब कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग में बोल रहे हो तो आपको लगता है फटाफट बोल के खत्म करो। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हाँ ये बात सही है, कुछ लोग ज्यादा फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्लो बोलते हैं, लेकिन जब कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग बोल रहे हो तो हर एक सेंटेंस के बाद एक छोटा सा पॉज जरूर लीजिए। उससे आपका सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर जा रहा है, लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं। और बहुत से लोगों में क्या होता है, नॉन स्टॉप नहीं बोल पाते, जैसे हम जैसे, वो क्या होता है कि हम लोग नॉन स्टॉप नहीं बोल पा रहे हैं, हर चीज को एक ही चीज को एलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो वहीं भी आप सामने जब भी कभी आपको लगे कि आपका टॉपिक खत्म हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, तो पब्लिक से क्वेश्चंस कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक से क्वेश्चंस करने के बाद उसका आंसर देना बहुत इजीली समझते हैं, तो ऐसे में आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। और दोस्त हमेशा मार्क ज़करबर्ग की वो लाइन याद रखिए कि कभी किसी को ये कहने का मौका मत दो कि तुम में बदलाव की जरूरत है। हमेशा अपने आप को इलेवरेट करिए, इनोवेट करिए, जिस चीज का फियर है उसे फेस करिए और हमेशा अपनी गलतियों से सीखिए। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी बहुत कम उम्र में हैं, लाइक छोटी क्लास में हैं, 10th, 11th, 12th, तो ऐसे स्टेज में हमेशा जब कभी भी आपको बोलने का मौका मिले, किसी भी बात पर अपनी राय रखने का मौका मिले, तो जरूर रखिए। ये कहीं ना कहीं आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। हमेशा स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, जहाँ कहीं भी बोलने का मौका मिले वहाँ जरूर बोलिए। लोग हंसेंगे ना, और लोग कौन होते हैं भाई, वो दोस्त यार होते हैं, उनका तो हंसना काम होता है यार। तो आई एम श्योर ये थी बातें, और आई एम श्योर आपको समझ तो आया होगा इसके बारे में कि किस तरीके से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, तो आप मेरा नया चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वी मेक क्रिएटर्स, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।